साहिबान मेहरबान कदरदान, पूरी फिल्म में इस बच्ची ने सबको रुलाया था। पर अब ये सबको 440 वोल्ट का झटका देती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उन्हें पता चलता है कि ये 25 साल की दिखने वाली मोहतरमा 15 साल की भी नहीं है। क्या बात कर रहे। पर इनकी एक्चुअल एज बताने से पहले इनसे मिलो, याद आ गया ना, इट्टू बिट्टू चिम पटोटा। लेकिन आज सोन परी का ये जादुई मंत्र भी नहीं पता लगा सकता कि फ्रूटी कहाँ है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बचपन के सितारों की जो एक समय पे टीवी सीरियल से लेकर बड़े पर्दे पर छाए हुए थे, लेकिन फिर वो अचानक ही गायब हो गए और आज इतने सालों बाद वो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, ये शायद ही किसी को मालूम है। तो बिना देरी आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, खो गए तुम कहाँ। हाथ में रिमोट लिए बिना सुर के सबने ये टाइटन ट्रैक गाया है, राइट। लेकिन आप बचपन की यादों में खो जाओ, उससे पहले फ्रूटी अब कैसी दिखती है वो देख लो। लोग बड़े होकर बदलते हैं, पर इनके केस में 32 की होकर भी तानवी हेगड़े के चेहरे पे वही मासूमियत और सादगी है। हैरानी की बात बस इतनी है कि लोगों को 4 मौके लगे तानवी की एक्टिंग का टैलेंट पहचानने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सोन परी के बाद इन्हें धनाधन प्रोजेक्ट्स मिलते गए। पर इनके किसी भी प्रोजेक्ट से इन्हें वो फेम नहीं मिला जो परिस्तान की कहानी में फ्रूटी बनकर मिला था। नतीजा, इन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। 2015 में जब वो लौटी भी तो बस अगले 6 साल काम किया और 2021 से वो पूरी तरह गायब ही हो गई। इनफैक्ट सोशल मीडिया को भी उनके पते का पता नहीं है। नंबर 2, कन्याकुमारी। अगर कोई सबको छोड़ के सिर्फ तुमसे जल रहा है तो समझ जाओ तुम्हारे नाम का सिक्का चल रहा है। अगर मैं कहूं कि ये कन्या बस 14 साल की है तो क्या आप यकीन करोगे? नो! पर आपका दिमाग घूमे चक्कर खाए, आप दीवार से टक्कर खाए। सच यही है कि ये मोहतरमा 24-25 की नहीं बस 14 बरस की हैं, जिन्होंने रॉकस्टार, मॉम, उरी और गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों में एज चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया है। लेकिन अब पिछले 4 साल से इन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला है, उल्टा ये छोटी उम्र में लिप फिलर और ग्रोथ हार्मोन्स लेकर वक्त से पहले बड़ी दिखने के नाम पर ट्रोल हो रही हैं। साथ ही फेम का शॉर्टकट इन्हें आए दिन कंट्रोवर्सी में डालता रहता है, इसीलिए 12 साल की बाली उम्र में इन्होंने ऐसे वीडियोस किए जहां ये अपनी उम्र से 3-4-5 साल बड़े एक्टर और सिंगर के साथ रोमांस करती हुई नजर आई थी, जिससे सोशल मीडिया पे इनकी ट्रोलिंग काफी बढ़ गई थी। इनफैक्ट कईयों ने इनके पेरेंट्स पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तो इसके बाद हुई जब इन्होंने ट्रोलिंग की रोलिंग में पिसकर एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, ये कहकर कि ये 12 की नहीं है और वक्त आने पर अपनी असली एज बताएंगी। नंबर 3, फुल स्टॉप लगा डाला। जिन एक्टर्स को देखकर राइटर शो लिख डाले वो सारे चाय कम पानी है, क्योंकि आज फैक्ट भाई को सुनानी उनकी कहानी है जिन्होंने अपने द मोस्ट फेमस शो को बंद करवा डाला। फैक्ट भाई बात कर रहा है 2016 में 100+ एपिसोड के 4 सीजन पूरे करके दी एंड होने वाले बेस्ट ऑफ लक निक्की शो के अनन्या कोलवानकर की। अब इन्होंने शो कैसे बंद करवाया तो देखो, अनन्या के साथ शो के बाकी बच्चे कुछ ज्यादा ही जल्दी बढ़ रहे थे जिससे शो में उनको छोटा दिखाना मुश्किल हो गया था। लेकिन 2 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करने वाली अनन्या इकलौती नहीं है जिसकी वजह से शो बंद हुआ है। एक्चुअली जिस शो से ये शो कॉपी था वो भी बस 4 सीजन का ही था, पर शो बंद होने के बाद जैसे शीना आज एक्टर प्लस यूट्यूबर है, मुर्तजा शादी करके सेटल्ड है और आकाश ने शीना के लाइव पर बताया था कि वो 2 साल से एम्स्टर्डम में कोई मीडिया रिलेटेड फील्ड की पढ़ाई कर रहे थे। वैसे अनन्या को लेकर अपने लाइव में शीना ने ना सिर्फ ये बताया कि वो स्टडीज में बिजी है और पूरे इंटरनेट पे लालटेन लेके ढूंढोगे तो भी उनकी एक फोटो तक नहीं मिलेगी। नंबर 4, चिकली पे चिकली। बचपन में सबको 2 ही रोबोट का क्रेज था, एक एनिम वाला डोरेमोन और दूसरी स्टार प्लस की करिश्मा। पर ये करिश्मा और झनक का पहला नहीं तीसरा टीवी शो था जिसकी वजह से वो इतनी फेमस हुई कि उनको 7 की उम्र में बॉलीवुड किंग खान के बाद 10 साल की उम्र में हॉलीवुड में एक्टिंग करने का मौका तक मिला। हालांकि इसके बाद वो एक्टिंग और कैमरे के पीछे वाली दुनिया से दूर हो गई। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बचपन में एक्सट्रोवर्ट होने, अटेंशन को एंजॉय करने की बात की। आई
was an extrovert, like, because I had a lot of exposure. पर ये भी accept किया कि अब वो बहुत ही शांत हो गई हैं. Now I am the opposite, like, just the opposite. I'm like very silent. आज acting में ना सही, पर वो life में बहुत आगे निकल गई हैं. Archaeology और MBA की degree लेने के बाद झनक औरतों के लिए एक NGO चलाती हैं. And I've done my master's, so I'm like it's okay. और जल्द ही उनके बॉयफ्रेंड कम मंगेतर के साथ उनकी शादी भी होने वाली है. पर वरी नॉट, झनक का कहना है कि वेब शो में उन्हें उम्दा किरदार मिला तो वो जरूर फिर से एक्टिंग करेंगी. लेकिन जहां करिश्मा ने नॉर्मल लाइफ चुनी है, वहीं शो वाले बड़े भैया यानी मयंक टंडन स्टार प्लस से रोहित शेट्टी की वेब सीरीज में विलेन बनने का सफर तय कर चुके हैं. नंबर 5, दर्शन दर्शील. मैं कभी बतलाता नहीं. Once upon a time में एक बड़ा स्टार था और दर्शील सफारी ये बताएं तो भी कैसे वर्ल्ड वाइड 1.35 बिलियन रुपीस कमाने वाली तारे जमीन पर करने के बाद उनकी एक्टिंग ऐसी वर्ल्ड फेमस हुई थी कि ये सारी फिल्में और 2012 के डांस रियलिटी शो उनकी झोली में आ गिरे. लेकिन इसके बाद वो 4 साल की लंबी वाली छुट्टी पे चले गए ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और जब वो लौटे ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड उन्हें बुला चुका था. तभी तो टीवी शोज, वेब शो और म्यूजिक वीडियो के अलावा मूवी में कमबैक करने का मौका दर्शील को 2023 में इस फिल्म से मिला. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना स्ट्रगल भी शेयर किया था. लॉकडाउन में 100 ऑडिशंस देने पर उन्हें बस इक्का दुक्का ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया. मार्च महीने में जब उनका और आमिर खान का ये 16 साल का रीयूनियन हुआ तो फैंस दोनों को सितारे जमीन पर फिल्म की कास्ट समझ कर एक्साइटेड हो गए. लेकिन ये बस एड थी. हालांकि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो एक्टिंग को लेकर सीरियस हैं, और वो कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती. तो देखते हैं दर्शील आने वाले वक्त में फैंस को कैसे सरप्राइज करेंगे. नंबर 6, चट्टे बट्टे हैं. बोले तो बाप इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था. जांगिया चिल्लर पार्टी का वो आइकॉनिक करेक्टर जिसे चाहकर भी आप अपने भेजे से नहीं निकाल सकते. नमन जैन में कुछ तो बात है. लिस्ट के बाकी एक्टर्स की तरह नमन ने एक्टिंग से कभी ब्रेक नहीं लिया. टीवी सीरीज, वेब सीरीज और मूवीज, उन्हें जो मिला उन्होंने किया. लेकिन अफसोस, इनके इतने स्ट्रगल के बाद भी इन्हें आज तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो चिल्लर पार्टी से मिला था. और श्रेया शर्मा यानी टूथपेस्ट की कहानी इनसे काफी अलग नहीं है. कसौटी जिंदगी के जैसे टीवी सीरीज से शुरू करके इन्होंने चिल्लर पार्टी के लिए नेशनल अवार्ड जीता. लेकिन इसके बाद भी टेलीविजन शो करने और साउथ इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के बाद भी इन्हें चिल्लर पार्टी जैसी कामयाबी नहीं मिली, और इसीलिए एक्टिंग से ब्रेक लेकर श्रेया ने लॉ से ग्रेजुएट किया और आज वो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रही हैं. नंबर 7, करियर ऑन ब्रेक. इस सीन को देखने के बाद अच्छे अच्छे सख्त लौंडे पिघले थे और इसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए थे. लेकिन अब सबको हंसाकर सबको रुलाने वाली मुन्नी का करियर मानो खुद रो रहा है. जी हां, 8 साल की उम्र में फिल्म फेयर फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू जैसे कई अवार्ड और मुन्नी के किरदार के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जीतने के बाद से ये बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई. और अपने करियर के पीक पर होकर भी कुछ न करने का डिसीजन उनका ही है, क्योंकि एक, उन्हें बस ऐसे ही रोल चाहिए जिसमें उनका कैरेक्टर मुन्नी जितना बड़ा और जरूरी हो, और दूसरा, उन्हें अपनी स्टडीज को कंटिन्यू भी रखना है. लेकिन सोशल मीडिया पे वो अब काफी एक्टिव हैं, जहां उनके फैंस उनके रील्स को वायरल करने में कभी कसर नहीं रखते. हालांकि ये प्यार उनके एक बार फिर एक्टिंग करियर स्टार्ट करने तक बरकरार रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है. नंबर 8, बिग बी के साथ. थोड़ा बुढ़ापा तो फील हुआ ही होगा, है ना? पर इससे भी बड़ा झटका आपको ये जानकर लगेगा कि सुनी ने 25 में अरेंज मैरिज करने के साथ ही एक्टिंग को टाटा बाय बाय करके लॉ में करियर स्विच भी कर लिया है. और जहां इसकी एक वजह टेलीविजन से बड़े पर्दे पर 100% देने के बावजूद मिली कामयाबी है, वहीं इसकी दूसरी वजह उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताई. उन्होंने कहा कि बचपन में पढ़ाई के साथ एक्टिंग को बैलेंस करना जितना आसान था, एज अडल्ट ये काम उतना ही मुश्किल है. पर सुनी ने अपने फैंस से प्रॉमिस किया है कि कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आया तो वो एक्टिंग के बारे में जरूर सोचेंगी. और इन्हें पहचाना, अरे ये वही है अपने बंकू भैया जिन्होंने बिग बी के साथ काम करने के बाद मानो फिल्मी दुनिया से संन्यास ही ले लिया है. और ये होना ही था क्योंकि बचपन के ही एक इंटरव्यू में बंकू ने एक्टिंग करियर को रियल नहीं होने का टैग दे दिया था. अब उनको रियल करियर कब मिलता है ये देखना होगा. क्या आपको आपके बचपन के फेवरेट आर्टिस्ट का पता चल गया? अगर इसमें से कोई आपका फेवरेट स्टार छूट गया है तो वरी नॉट, फैक्ट भाई ने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ कुछ होता है कि इस तारे गिनने वाले बच्चे और कभी अलविदा ना कहना का ये छोटा उस्ताद है जो बड़ा होकर लड़की बन चुका है. कैसे? वेल, ये देखने के लिए अभी आई बटन पर क्लिक करो. अगर आपके पास किसी और बचपन के सितारे की कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.